अब देखिए ये जो आपके सामने एक प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, ये पांचवा प्रश्न क्या कहता है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आपके पास दे रखा 0.38 रिपीटिंग है और 1.27 रिपीटिंग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करेंगे, 0.3838 डॉट 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 बराबर एक्स, दो अंकों पर एक रिंग था, 100 से गुणा करेंगे, 38.38 डॉट 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 बराबर 100x, उसके बाद ये घटेगा तो 38 बराबर हो जाएगा 99, ठीक है, 38 बराबर 99x, तो 38/99। और नेक्स्ट जो है वो 1.2727 डॉट 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 बराबर एक्स, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो अंकों पर रिकरिंग है तो इसलिए 100 से गुणा करेंगे, तो 1.27.2727 डॉट 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 बराबर क्या हो जाएगा 100x। अब यहाँ से अगर घटाए तो ये तो कैंसिल, एक तो 126 बराबर 99x, तो x का मान 126/99, तो अब दोनों को जोड़ना है तो 38/99 प्लस 126/99 इज इक्वल टू होगा 8, 6, 14, 6, 2, 3, 5, 1, 6 और ये हो जाएगा 1, यानी 164/99 ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, यही आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1B का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया। आशा करते हैं कि आपको ये भी सॉल्यूशन समझ में आए, अगर सॉल्यूशन थोड़ा सा भी समझ में आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।